पंजाब के सब तो वध एम पी चुन के आए ने अज उन्हां उस पार्टी के एम पी विचों एक भी अज शामिल नहीं सी क्योंकि किसानों प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं उन्होंने वो ताजपोशी जी चंडीगढ़ से हो रही है वह ज़्यादा जरूरी लगी। इन्ने तुसी पुरानी पार्टी है तो आप किसानों के मुद्दे पर फिर नहीं हटते सियासत कर पॉलिटिक्स कर ये ध्यान भटकाने वास्ते आ खिचोतानी का ड्रामा तो दो तीन महीनों के आप देख रहे हैं तो अज जब किसानों को लोड़ है जब पार्लियामेंट पहले 19 दिनों वास्ते बैठ गया है इन्होंने 19 दिनों से असी सरकार को मजबूर करना है कि किसान की गल मनी जाए तो अब पूरी कांग्रेस पार्टी संसद में हाजिर होने के बजाय अब चंडीगढ़ ताजपोशी वास्ते बैठी है। बीबी जी 7 महीने हो गए ये कांग्रेस के एम पी है जोड़े 7 महीने तो जिदन के किसान बैठे आ 7 महीने तो अपने किसानों के नाल जी झुग्गी बैठे आ 7 महीने तुसी तो वह जिन्होंने बिल पास करवाया बह के पार्लीमेंट बिल पास करवाया आ पार्लीमेंट की बिल्डिंग खड़ा मेरे साइन देख लो तो जिन्ना विरोध कर सके साड़ी सारी पार्टी है बेशक मेरी जिम्मेवारी मैं ली मैं सारे एम पी गए क्या सारे नु ते मैं इत्थे एज ए लीडर उन्हां दी सारियां दी मैं अगवाई कर रहा ते दूजी गल अंदर हाउस आ जिहड़ा उह 5 मिंट भी चलन नहीं दिता बीबी जी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलन दिता तुसी तां गल्लां मारदे हो इन्ना इन्नी हल्की गल करोगे मैं नहीं सोचिया भी तुसी एक मुख्यमंत्री 5 बार रहे बादल साहब की नूँह तुसी आप कैबिनेट मंत्री रहे हो समागम किया गया उथे ही संसद मैंबर हरसिमरत बादल ने इल्जाम लगाया कि पंजाब दे सारे कांग्रेसी संसद मैंबर नवजोत सिद्धू दी ताजपोशी समागम च शामिल होने लई पार्लीमेंट तो गायब हो गए। आज मैनू इस गल का इन्ना दुख होया कि एक पासे साडे किसान भरा दिल्ली के बॉर्डर तो 8 महीने तो बैठे हुए हैं उन्होंने अपना घर बार सब कुछ छड़ता उन्होंने घर च भी बहुत जरूरी जरूरी जिम्मेवारियां होन गया लेकिन छड़ के वह बॉर्डर च बैठे हुए हैं। आज साडे किसान भरा दिल्ली दे विच भी बैठे किसान की संसद लाई हुई है तो सानू सारे एम पीज नू इको ही उन्होंने बेनती की कि तुसी सारे हर रोज़ अपने पार्लियामेंट चे तुसी उत्थे खड़ना हैगा ते किसान दे मुद्दे चकने नहीं। आज मेरी हैरानी दी कोई सीमा नहीं रही जब मैं देखिया कि जिस पार्टी दे विचों पंजाब दे सब तो वध एम पी चुन के आए ने अज उन्हां उस पार्टी दे एम पी विचों एक भी अज शामिल नहीं सी क्योंकि किसानों प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं उन्होंने वो ताजपोशी जी चंडीगढ़ च हो रही है वह ज़्यादा जरूरी लगी। अगे ही तुसी देखिया पिछले 1.5-2 महीनों की इन्हों की खिचोतान लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते जिथे लोग बेहाल ने बिजली होए ना होए मीह पिया ना पे किसान बैठा है मरिया है दुकानदारा का गरीबा का नौजवाना की सब अपने हाल च छड़े हुए ने ते दिल्ली ने तो सैकड़ों गेड़े कटते आपकी कुर्सी के लालच में ये ध्यान भटकाने वास्ते आ खिचोतानी का ड्रामा तो 2-3 महीनों के आप देख रहे हैं तो अज जब किसानों को लोड़ है जब पार्लियामेंट पहले 19 दिनों वास्ते बैठ गया है इन्होंने 19 दिनों से असी सरकार को मजबूर करना है कि किसान की गल मनी जाए तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी संसद में हाजिर होने के बजाय आज चंडीगढ़ ताजपोशी वास्ते बैठी है। कल्ले श्रोमणी अकाली दल तो BSP हर रोज जिस दिन तो संसद शुरू होया है संसद के अंदर संसद के बाहर जिनी साड़ी क्षमता है असी पूर जोर के नाल किसानों का ही मुद्दा होर सारे मुद्दे छड़ के किसानों का मुद्दा ही चक रहा साडे प्रधान साहब नू भी दिल्ली पंजाब च बथेरे काम ने पार्टी वास्ते लेकिन सारे काम काज छड़ के असी अपनी फर्ज समझ के जिहड़ी साडे उत्ते उम्मीद लाई है जिन्होंने सानू इत्थे चुन के भेजा है उन्हां प्रति असी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। उधर हरसिमरत बादल वालों कांग्रेसी संसद मैंबर ते लाए गए इल्जाम दा लुधियाना तो कांग्रेस के संसद मैंबर रवनीत बिट्टू ने मोड़वा जवाब दिता है। रवनीत बिट्टू ने हरसिमरत बादल नूं किसानां दे मुद्दे ते सियासत ना करन दी नसीहत दिती है। इस दे नाल ही उन्हें कहा कि कांग्रेसी मंत्री किसानां दे हक च पिछले 7 महीने तो जंतर मंतर च धरना प्रदर्शन कर रहे ने ते अगे भी किसानां दे हक च लगातार डटे रहेंगे। मैं हुणी अकाली दल
खास तौर पर बीबी हरसिमरत कौर जी जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट ने वो हुण ही वो अपने फेसबुक पर जां मीडिया के राही वो एक बहुत ही झूठा प्रचार देखो इन्ने तुसी पुरानी पार्टी आ ते आपां किसानां दे मुद्दे ते फिर नहीं हटदे सियासत करन पॉलिटिक्स करन। मैं मानदा भी साढ़े अज दूजे पासे अज पार्टी प्रधान ने जिहड़ा है वो अपना अहुदा संभालना सी कांग्रेस को ते उत्थे सारिआं ने जाना ही है क्यों नहीं जाना। ते दूजी गल अज फ्राइडे आ शुक्रवार का दिन ते चलो वह भी छड्डो पर मैं जिहड़ा पार्टी का इत्थे अपने पंजाब का सारे स्टेटा का लीडर कन्वीनर ते नाल दूजी गल विप आ पार्टी का ते मेरी ये खास तौर पर थोनू एक बेनती आ वे असी कदे भी ना कदे किसानां दे इशू तो पिछे हटिया ना कदे हटना। बीबी जी 7 महीने हो गए ये कांग्रेस के एम पी आ जिहड़े 7 महीने तो जिद्दण दे किसान बैठे आ 7 महीने तो अपने किसानां दे नाल जिहड़ी आ ओह झुग्गी च बैठे आ 7 महीने तुसीं तां ओह जिन्हां ने बिल पास करवाया बह के पार्लीमेंट च बिल पास करवाया तुसीं ओह मैनूं लगदा आवाज़ की कमी आ रही आ ते ए जे मैं थोड़े नाल गल करा भी तुसीं तां उस कैबिनेट सी जी च तुसीं बह के मोदी जी दे नाल तोमर साहब दे नाल दी कुर्सी ते बह के ये बिल पास कराया ते लगातार 2 तो 3 महीने बादल साहब तो लैके तुसीं इस बिलां नूं चंगा कहिंदे रहे हो तुसीं बाहर गए हो NDO तो अस्तीफा कैबिनेट तो दिता बिल पास करवा के अज तुसीं फिर झूठ बोले अपने घरे जाके भी अज कांग्रेस दे MP ने जिहड़े वो इत्थों चले गए। मैं इस वेले भी आ पार्लीमेंट की बिल्डिंग च खड़ा मेरे साइन देख लो ते जिन्ना विरोध कर सकिया साड़ी सारी पार्टी अज बेशक मेरी जिम्मेवारी मैं लई मैं सारे MP गए क्या सारिआं नूं ते मैं इत्थे एज ए लीडर उन्हां दी सारिआं दी मैं अगवाई कर रहा। तो दूजी गल अंदर हाउस आ जिहड़ा वो 5 मिनट भी चलन नहीं दिता बीबी जी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलन दिता तुसीं तां गल्लां मारदे हो इन्ना इन्नी हल्की गल करोंगे मैं नहीं सोचिया भी तुसीं एक मुख्यमंत्री 5 बार रहे बादल साहब की नूँह तुसीं आप कैबिनेट मंत्री रहे हो तो तुसीं इन्नी छेती किचड़ सिटण की गल करोंगे। पर किते ना किते अज बहुत थोड़े नाल मैं समझदा तुसीं बहुत छोटी गल कर गए तो इहनूं करैक्ट करो अजे भी हुण आउणा पार्लीमेंट च आ जाओ पार्लीमेंट इत्थे मौजूद हाँ कि थोड़ों वध वध उच्ची आवाज हमेशा किसानों की गल की आ जदों असी किसानों के हक च बोल रहे सी ना जिदन बिल आया सी तुसीं मंत्री सी तुसीं मंत्री सी उदन कैबिनेट मंत्री सरकार दे जिदन सारिया पार्टियां बोल रही सी तुसीं उदों बाद अस्तीफे की गल की जो पंजाब का माहौल देखिया ना झूठ बोलो। पर अज इस गल दे नाल लोग हसणगे भी तो मैं समझदा अगे तो थोनू कोई सीरीयस नहीं लेगा अगे थोनू गंभीर नहीं लेगा भी तुसीं किड्डी छोटी गल करती देख लिया भी MP अज उत्थे मौजूद ने असीं थोड़े वांगू ना ड्रामा करते हैं ना नाटक करते हैं। उस तरीके 7 महीने तो उस कुली च किसानों के खातर जिथे असी मैं कह के थक गया उस जगह हम किसान आ गए ना असी पहला उत्थे 7 महीने के बैठे हैं। तो मैं थोनू ये भी दस दिना ऑन रिकॉर्ड मैं कह दिना जे सरकार ने सोमवार तो साड़ी गल ना मनी साड़ी मतलब किसानों की गल ना बनी जे तो साडा आशीर्वाद आ जिन्हां दे साडे सिर ते तुसीं कहने हो उरे आए नहीं असी इस पार्लीमेंट चाहे सानू रात रहना पवे चाहे 10 रातां रहनियां पैण जदों तक हुण पार्लीमेंट सैशन दे विच बिलां दा हिसाब किताब नहीं होएगा असी सोमवार तो इस पार्लीमेंट तो बाहर नहीं निकलांगे जिन्ना चिर चले जिन्ना चिर ना चले जिन्नी रात पै जे किन्ने दिन पै जे वो बाद दी गल आ। पर सोमवार तो मंडे तो जे ये बिल वापस नहीं करते असी पार्लीमेंट के बिल्कुल बिचों निकलांगे नहीं उत्थे ही बैठे रहांगे जिन्ना चिर ये बिल वापस नहीं होंगे। ये मंडे तो साडा कांग्रेस पार्टी का साढ़े MP साथियों का पंजाब दियां दा ते सारियां नूं असी ये मंडे नूं गल करांगे सारे जिहड़ा ये असी लगातार
जिहड़ा वी धरना पार्लीमेंट दे विच लावांगे। तुसीं इह गल कह के मैं समझदा इह पंजाब नूं तुसीं तोड़न दी गल कीती आ। असीं कीती सी गल वी आपां सारे एम पी इकट्ठे हो के फिर ठिब्बी लाउण वाली गल कीती ना, सियासत फिर चुस्ती वाली गल कीती ना, लोंबड़ी वाली गल कीती ना वी अज जे उत्थे एम पी आ ते दा ला के उहनां ते गल कर दो। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਓ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਖ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੁੱਖੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਆ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਮ ਪੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਹਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਛੋਟਾਪਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ 'ਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।